सो गाइस एल्विश यादव और ध्रुव भाटी की कंट्रोवर्सी के बारे में तो आपको पता ही है। ध्रुव भाटी आए दिन अपनी वीडियोस में एल्विश को पोक करता रहता है। एल्विश ने भी ध्रुव के ऊपर एक रिप्लाई वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने उसके सारे धागे खोल दिए थे और उसे बुरी तरह एक्सपोज कर दिया था। एल्विश की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी और इस वीडियो ने ध्रुव भाटी को हैशटैग आपका पिल्ला नाम से फेमस कर दिया था। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, बीजेपी का दल्ला, तो इसको भी कुछ बोलो यार, अपना इसको बोलो आम आदमी पार्टी का पिल्ला, दल्ला भी नहीं इसको पिल्ला बिल्ला बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा इतने में। मुझे ये तो लगेगा यार बराबरी तो हो रही है, मैं तो काम भी नहीं करता बीजेपी के लिए तब भी भाई साहब हम तो इस नाम से फेमस है। भाई तो प्रॉपर टीम में था ऑफिशियल, भाई साहब लिखा नाम आता था आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल चैनल पे, एडिटर ध्रुव राठी, मैनिफेस्टो ध्रुव राठी, प्रॉपर सीधा सीधा मुकर जाता। और फिर से ध्रुव राठी ने एल्विश को अपनी नई वीडियो में पोक किया है, देखिए उन्होंने क्या कहा। कि अब इस मेंटल कंडीशन को एक नया नाम दिया गया है, डीआईडी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आइडेंटिटी का मतलब तो आपको पता होगा, आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान, लेकिन डिसोसिएशन ऑफ आइडेंटिटी का क्या मतलब हो सकता है। फेमस शायर निदा फाजली ने एक बारी लिखा था, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। इस शायरी का एक्चुअली में एक डीपर साइकोलॉजिकल मीनिंग है, क्योंकि पहले तो हुए आप वो इंसान जो आप असलियत में हो, लेकिन दूसरे हुए आप वो इंसान जो आपको लगता है आप हो। फर्क समझ रहे हो, कोई इंसान यहाँ एक बेवकूफ है लेकिन उसे लग सकता है कि वो तो एक होशियार और समझदार इंसान है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये इफेक्ट तब देखने को मिलता है जब कोई इंसान अपनी काबिलियत को ओवर एस्टिमेट करता है, जब उसके पास नॉलेज और स्किल की सख्त कमी होती है। तो हिंदी में इसके लिए एक कहावत भी है, थोता चना बाजे घना। लेकिन बेवकूफ होना और इंटेलिजेंट होना तो सिर्फ एक एस्पेक्ट हुआ। डिसोसिएशन ऑफ आइडेंटिटी तब भी हो सकता है जब किसी इंसान को लगे कि वो दिल का बड़ा अच्छा है लेकिन असलियत में वो सेल्फिश है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, कोई इंसान किसी चीज में बहुत अच्छा है लेकिन उसे लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं है। तो नंबर वन, आप वो इंसान जो असलियत में हो, नंबर टू वो इंसान जो आपको लगता है आप हो, ये हो गई आपकी सेल्फ इमेज। नंबर थ्री है द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सेल्फ, वो इंसान जो आप बनना चाहते हो। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है और जैसी आपकी सोशल कंडीशनिंग हुई है उससे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनका आइडियल सेल्फ हो सकता है एल्विश यादव। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। सो गाइस देखा आपने किस तरह जर्मन शेफर्ड एल्विश को बेवकूफ बोल रहा है। ये बात तो सच है कि अकेले एल्विश ने पूरे लेफ्ट विंग की फाड़ रखी है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना।